नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक सीपी सिंह जी, आइए आपको इनसे बात करवाते हैं। सर, जीएन भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आय से अधिक मामले में मांडर से कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की को 3 साल की सजा और जुर्माना लगाया है, क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, माननीय विधायक श्री बंधु तिर्की के ऊपर आय से अधिक मामला का सीबीआई कोर्ट में केस चल रहा था, तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने इन्हें 3 साल की सजा और 3 लाख रुपया जुर्माना दिया है। अब न्यायालय के निर्णय को हम सभी को मानना चाहिए और सिरोधार्य करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में न्यायालय का अहम भूमिका होती है और न्यायालय के जो निर्णयादेश होते हैं, आप चुनौती तो दे सकते हैं, उसके लिए हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन तत्काल प्रभाव से सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई, यदि ये सब मामले आए हैं, आय से अधिक के मामले का मामला है, तो सभी को सोचना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम न करें जिसके कारण हमें जेल जाना पड़े। तो मैं ही कहूँगा कि भाई, माननीय न्यायालय का जो आदेश है वो सर्वोपरि है और सबके लिए है, तो हम लोग यही कहेंगे कि माननीय न्यायालय के आदेश को सिरोधार्य करना चाहिए। कुछ लोग बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनको सजा दिलाने में बीजेपी का हाथ है, क्या कहिएगा? अब ये तो भाई पुरानी आदत है लोगों का, हर चीज़ के लिए बीजेपी दोषी है, चुनाव हार जाएं तो बीजेपी दोषी है, ईवीएम दोषी है, लालू जी को सजा हो जाए चारा घोटाले में उसके लिए बीजेपी दोषी है, यानी हर चीज़ के लिए बीजेपी दोषी है। सवाल यह है कि केस कोई बीजेपी का लोगों ने किया था क्या? केस तो दुर्गा उरांव जी ने किया था, और उसके कारण मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा, एनु सका, हरिनारायण राय, इसके बाद बंधु तिर्की जी, और कौन कौन लोग आएंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता। सर जी, इन भारत को अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपने सुना कि विधायक सीपी सिंह जी का क्या कहना है। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।